यहाँ पे मेरे चावल को मैंने रात भर भिगा के रखा था, ये अच्छे से फूल चुके हैं। आप 8 से 10 घंटे भिगा सकते हैं अगर आपको जल्दी बनाना है तो। और ये है दाल, ये भी मैंने रात को ही भिगा दिया था तो अच्छे से फूल गया है। अब हम इन दोनों को मिक्स करके एक साथ 2 पार्ट में आपको इसे डिवाइड कर लेना है। आधा इधर रख लिया मैंने इस बाउल में और आधा दूसरे बाउल में। अब इसका करना क्या है, आधे को हमें बहुत बारीक पीसना है, बिल्कुल पेस्ट बना देना है, और आधे को हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, दरदरा, हल्का सा आपको टच करने पे लगे कि कुछ मोटा है, जैसे हम पीस लेते हैं। एक पार्ट मेरा थोड़ा सा मोटा है, देख सकते हैं आप उंगली से ऐसे करके देखेंगे थोड़ा मोटा है। दूसरा हमने जो बनाया है उसे थोड़ा सा पतला किया है, पतला पेस्ट बना लें। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया मैंने, और इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब इसमें थोड़ा सा ये फ्लफी हो जाएगा उसके बाद हम डोसा बनाएंगे। धूप में रख देते हैं, अगर धूप है तो आप धूप में रख दीजिए, गर्मी है तो कोई बात नहीं है, ये 2 से 3 घंटे आप अगर ढक के रख देंगे तो इसमें खमीर अपने आप बन जाएगा। चलिए इसे रख देते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल दिया है राई। राई को चटकने तक भून लेना है। राई अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून जीरा। जीरे को भी हमें अच्छे से भून लेना है। जीरा पक जाए उसके बाद हमें डाल देना है 1 टेबल स्पून उड़द की दाल। 2 टेबल स्पून डाल देना है, 1 से 2 टेबल स्पून है। इसे भी अच्छे से भून लेना है, स्लो फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। उसके बाद हमें डाल देना है चना दाल 2 टेबल स्पून, इसे भी चलाते हुए भून लेना है। दाल अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें डाल देना है 2 टेबल स्पून साबुत खड़ी धनिया, इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। जब इनका कलर अच्छा भून के पक हो जाए उसके बाद हमें डाल देना है 1 टेबल स्पून इमली का, इसे भी भून लेना है। फिर डाल देना है 3 लहसुन की कलियां, इसे भी हमें रोस्ट करते हुए अच्छे से भूनना है। तो सारे मसाले अच्छे से भून जाए उसके बाद हमें डाल देना है 10 से 15 करी पत्ता। करी पत्ते को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। फिर डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। सबको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हमने ले लिया, ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें डाल दिया राई, फिर डाल दिया 2 टेबल स्पून सूजी का, और उसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें उतना ही जितना हमने डाला है सूजी को उसका 10 गुना मुझे इसमें पानी डालना है, और इसका उत्पम तैयार कर लेना है। उत्पम हम सब्जी वाला नहीं बना रहे हैं, खाली उत्पम का पेस्ट बन रहा है जो हमें डोसे के ऊपर डालना है। अब इसमें डाल देना हमें नमक, नमक टेस्ट के अनुसार ही डालें, कम या ज़्यादा जितना खाते हैं। अब हमने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली ले ली है, उसमें डाल दिया हमने लहसुन की कलियाँ, 2 टेबल स्पून दही डाल दिया है, 1/2 टेबल
अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है टेस्ट अनुसार, और इसको पीस के हमें चटनी बना लेनी है। चटनी को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम डोसे का बैटर देख लेते हैं, एकदम कम्प्लीटली बन चुका है। और इससे ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें हम पानी डाल के इसको हल्का कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डालें कि आप अच्छे से डोसे को तवे फैला सकें। हमें नॉर्मल तवा नहीं लेना है, जो रोटी वाला तवा है, थोड़ा सा थिक हो तो डोसा अच्छा बनेगा। तवे को फुल फ्लेम पे हीट करके उसको पानी में छींटे मार के हमें इसमें बैटर को फैलाना है। डोसा जितना पतला बनेगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, उसमें क्रंचीनेस बना रहेगा। यहाँ पे डोसे को फैला दिया है, जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक हमें इसमें ऑयलिंग नहीं करनी है। डोसा जब साइड से छोड़ने लगेगा तब हमें इसमें ऑयल डालना है किनारे किनारे पे। आप देख सकते हैं साइड से डोसा छोड़ने लगा है। हमें इसे अच्छे से निकाल लेना है और इसमें डाल देना है जो सूजी का उत्पम हमने बनाया था और जो रोस्टेड मसाले थे उसका पाउडर, इसके ऊपर डाल के हमें अच्छे से इसको फैला देना है एक स्पून की मदद से। ये हैदराबादी डोसा है जो हैदराबाद में बहुत फेमस है, तो मसालों को अच्छे से हमें फैला देना है पूरे डोसे पे, एक लेयर बना लेनी है और इसे एक ही तरफ से पकाना है, आपको पलटना नहीं है इसको। हल्का सा ऑयल लगा दें, हमारा क्रंची डोसा बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा डोसा रेडी हुआ है। दोबारा हमने वही चीज़ें दोहराई है, तवे को अच्छा सा हीट किया है, उसके बाद पानी के छींटे डाल के किसी कपड़े की मदद से आप पानी को पोंछें और तुरंत इसमें बैटर डाल दें। पानी का छींटा इसलिए डाला जाता है ताकि तवा नॉर्मल हो जाए और जैसे हम डोसे का बैटर डालें वो तुरंत फिर से गर्म हो जाए, इसलिए फुल फ्लेम पर ही ये डोसा तैयार किया जाता है। और इसमें हमने मसालों को कोटिंग कर दी है, आप चाहें तो उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। दूसरी बार भी हमने वही किया है, यहाँ पर हमने बैटर फैला दिया है और उसको पतला सा थोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है जो सूजी से मैंने तैयार किया था, उसके बाद डाल देना है रोस्टेड मसालों का पाउडर, इसे अच्छे से फैला देना है। फिर इसमें डाल देना है कटे हुए प्याज, आप चाहें तो एक दो सब्जियां और भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं छोटे छोटे कट करके, हरी धनिया डाल देंगे इसमें। एक तरीका ये भी है इसे बनाने का, और जिसको सब्जियाँ नहीं पसंद है वो प्लेन बना सकता है। इतना ही बनाने पे मसाला और उत्पम डाल के ही आप बनाएंगे तो डोसा काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ हमारा हैदराबादी डोसा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये डोसा पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।